आज किसको दिखाने के लिए तू झाड़ू लगा रही है? अच्छा, ये जो तुम पूरे मोहल्ले में गाती फिरती हो ना कि मैं कोई काम नहीं करती, लाओ दो मुझे, मैं लगाती हूँ झाड़ू। लाओ माजी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। रहने दो, मैं लगा दूंगी। अरे मैंने बोला ना जब कि मैं लगा दूंगी झाड़ू, तो दो मुझे। आज किसको दिखाने के लिए तू झाड़ू लगा रही है? अच्छा, ये जो तुम पूरे मोहल्ले में गाती फिरती हो ना कि मैं कोई काम नहीं करती, लाओ दो मुझे, मैं लगाती हूँ झाड़ू। अच्छा, मैं मोहल्ले में बोलती फिरती रहती हूँ? और नहीं तो क्या मैं बोलती हूँ। तेरे को कोई शर्म है कि नहीं, अपने सास से ऐसे बात करते हैं? तेजस, तेजस, क्या हुआ? यूँ इतना शोर मचा के रखा है? देखो लो, मैंने माजी से कहा कि मुझे झाड़ू लगाने दे, ये मुझे झाड़ू ही नहीं लगाने दे रही है। आने दो ना माँ से। अरे बेटा, तू आज घर पे है ना, इसीलिए तुझे दिखाने के लिए ये झाड़ू लगा रही है। देखो कितनी जवान चल रही है इसकी। अच्छा, मेरी जबान लड़ रही है तो ठीक है। तू मुझे बता कि तू कौन से घर के काम करती है? सारे घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। अच्छा, घर के सारे काम तुम ही करती हो? सारे घर का काम मैं ही तो करती हूँ माजी। ठीक है, तो फिर जाके दो कप चाय बना के लेके आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आई बना कर। रुक रुक, और उसके साथ पराठे भी लेके आना। अरे माँ। तू रुक बेटा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी लेकर आओ। ये क्या हो गया? आटा मिलाती हो इसमें? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? मैंने तो बोला था कि मैं पराठा बना कर लेकर आती हूँ, अब कैसे होगा? अरे बहू, कहाँ रह गई? क्या बीरबल की खिचड़ी पका रही है? क्या हाल बना रखा है अपना, और पराठे खाए?
पराठे तो छोड़, चाय भी बना के नहीं लाई। और तू तो बोलती है तू घर का सारा काम करती है, जा बना के लेके आ, बहुत भूख लगी है। मैंने ना आपसे झूठ बोला था, मुझे कुछ भी काम नहीं आता, मुझे कुछ भी खाना बनाने नहीं आता है। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रामा किया था। एक काम करो, बैग पैक करो और निकल जाओ। रुको बेटा, बहू को खाना बनाने नहीं आता ये बात ठीक है, पर बहू ये ड्रामा नहीं चलेगा। देखो बहू, अगर तुम्हें काम सीखने की इच्छा होगी ना तो तुम काम जरूर सीखो, पर ये ड्रामा मत करो। हाँ, पर अगर तुम हमेशा सास से लड़ती रहोगी ना तो कभी सीख नहीं पाओगी। सॉरी माँ जी, मुझसे ना गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसी बहू हर पांचवें घर में मिल जाती है आज। सॉरी माँ जी। जा अपना हाथ मुंह धो दे।